सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और इसी सुकेश चंद्रशेखर के साथ बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है, हालांकि इन्हें एक्ट्रेस कहना भी गलत ही होगा, एक्टिंग तो आती नहीं है, जैकलिन फर्नांडिस, जो कि सलमान खान की बहुत करीबी है, जिसका सुकेश चंद्रशेखर के साथ छैया छैया चल रहा था, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ देखने को मिली, तो बहुत ही गजब तरीके से ये वायरल हुई और इन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझको कुछ नहीं पता, मुझे फंसा दिया गया। लेकिन अब ईडी वालों ने मुख्य आरोपी इन्हीं को बता दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को 52 लाख का घोड़ा, 9 लाख की पर्शियन बिल्ली और 10 करोड़ से भी अधिक रुपया दिया था, इससे ज्यादा गिफ्ट दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर के जेल जाने के बाद भी जैकलिन फर्नांडिस लगातार उसके संपर्क में रही थी। हालांकि जैकलिन का ये कहना था कि मैं सुकेश से फरवरी 2017 से बात करी थी, अगस्त 2021 में उसे अरेस्ट कर लिया गया, इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली, उसने मुझसे कहा था कि वो सन टीवी का मालिक है, साथ ही उसने ये भी बताया था कि जयललिता की पॉलिटिकल फैमिली का हिस्सा भी है। जैकलिन फर्नांडिस ने ये भी बताया था कि जैकलिन की बहन ने सुकेश से 1,20,00,000 रुपए उधार लिए थे, उसके भाई के अकाउंट में भी 15,00,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जैकलिन इस मामले में मुख्य गवाह है, अब चार्जशीट में उसे मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। अब इस मामले में जैकलिन से बहुत सारी पूछताछ की जा रही है, मगर ईडी ने अभी तक चार्जशीट में, देखिए ईडी ने चार्जशीट में तो जैकलिन को आरोपी बना लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में नहीं गया है। जिस दिन जाएगा, कुछ ही दिनों में जाएगा, तो जैकलिन फर्नांडिस की गिरफ्तारी होगी और वो परमानेंटली जेल में ही समय बिताने वाली है। तो अब लग रहा है कि यहाँ पर सलमान खान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग बोल रहे थे कि सलमान खान बचा लेंगे, और इसके बाद भी अगर जैकलिन फर्नांडिस बच जाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया पैसे में वाकई में बहुत ताकत होती है।